नीचे एक फ्लाइट जैसा है वो हट जाएगा और हम सीधा जाएंगे नीचे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल में। मैं हूं आपका दोस्त पार्थ राणा। आज की डेट है 6 अप्रैल 2024 और आज सैटरडे है, तो सोचा कहीं पे घूमने चलते हैं। तो इससे पहले प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहां पे न्यूली ओपन वाटर पार्क था, उसका इनोग्रेशन था, फैमिली फन वाटर पार्क। और अभी मैं जिस जगह पे आया हूं मेरे दोस्त के साथ पार्थ सोनी के साथ, हम दोनों इधर पहुंचे हैं। इस वाटर पार्क के बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते होंगे, एक्वा ब्लिस या ब्लिस एक्वा वाटर पार्क जिसका नाम है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है, तो मैंने वेबसाइट पे जब इसके पढ़ा और मैंने गूगल पे इसके रिव्यूज़ चेक किए तो काफ़ी लोगों ने ऐसा लिखा था कि बिगेस्ट वाटर पार्क ऑफ गुजरात या बिगेस्ट वाटर पार्क ऑफ इंडिया, ऐसा भी कुछ लोगों ने लिखा था। तो अभी अंदर चलेंगे तो पता चलेगा कि वाटर पार्क कितना बड़ा है, अंदर राइड्स किस तरह की है, इसकी टिकट प्राइस क्या है और यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी वगैरह किस तरह से अवेलेबल है, सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो एक्वा ब्लिस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो वाटर पार्क है वो लोकेटेड है मेहसाणा उंझा हाईवे पे, मेरे पीछे आप शायद वीडियो में देख पा रहे होंगे, दैट इज़ द हाईवे, उसी के पास है। और इसका जो लोकेशन है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। और एक बात, यहाँ पे पास में ही ब्लिस एक्वा का फूड कोर्ट है, तो वहाँ पर आप फूड अपना एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। हम आके पहले वहाँ पे गए थे, कुछ चाय नाश्ता किया फूड कोर्ट पे और अभी यहाँ पे पहुँचे। तो अभी चलते हैं टिकट लेने के लिए और टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। तो आज का क्या रेट है, मतलब पर पर्सन 800 रुपीज़ है? ओके, और वो मंडे टू फ्राइडे रहता है या कैसा रहता है? मंडे टू सैटरडे 800 रुपया, संडे 1000। ठीक है। पेमेंट मोड कौन कौन से रहते हैं? पेमेंट मोड ऑनलाइन, UPI और लॉकर फैसिलिटी वो सब यहीं से अवेलेबल होती है? लॉकर, कॉस्ट्यूम और उनका पेमेंट आपको अलग से पे करना है। अच्छा, तो 800 में सिर्फ अपना एंट्री रहता है, एंट्री टिकट आएगी, उससे सारी अनलिमिटेड राइड्स आएगी। ओके ठीक है, थैंक यू। तो एंट्री टिकट आ गया है अभी मेरा और पार्क का एंट्री टिकट लिया, और जैसे उन्होंने बताया, पर मैंने उनसे पूछा क्योंकि वेबसाइट पे ऐसा था इन्फॉर्मेशन में कि मेरे को हर एक डे का प्राइस अलग अलग दिखा रहा था डिफरेंट प्राइस रेट से। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि वेडनेसडे और थर्सडे को कुछ प्राइस रेट कम रहते हैं, उसका कुछ डिस्काउंट है। तो उनकी वेबसाइट पर से जो उनका प्राइस रेट है वो लिस्ट अभी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ, वो आप एक बार देख लीजिए। और अभी यहाँ से चलते हैं अंदर, और जैसे पार्ट ने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि लॉकर फैसिलिटी वगैरह के लिए अंदर अवेलेबल है, तो एक बार अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो जस्ट अभी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करके अंदर एंटर किया, सिक्योरिटी चेक काफ़ी सही लगा नहीं? Yes. हर एक चीज़ को बढ़िया से वो लोग चेक कर रहे हैं, और अच्छी बात है, पानी की भी अगर आपकी बॉटल है तो उसको भी अच्छे से वो चेक कर रहे थे। तो यहाँ के जो रूल्स है, जो सेफ्टी वाइज है और कुछ न्यूसेंस ना हो उसके लिए वो लोग अच्छे से चेक कर रहे हैं, ये बात मेरे को बहुत अच्छी। वो सब नहीं ला सकते। सो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज भी आते हैं, सो दैट्स गुड। और यहाँ पे अभी बढ़िया से देख पा रहे हो पीछे बैकग्राउंड में थीमेटिक वे में, मतलब पूरा यहाँ का आर्किटेक्चर लग रहा है। और अभी यहाँ पे सामने है लॉकर, कॉस्ट्यूम और उसकी फैसिलिटी। तो उन्होंने बाहर वैसे बताया था कि कॉस्ट्यूम अगर आप अपना लेके आ रहे हो, नायलॉन और लाइक्रा मटेरियल अगर है तो वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज यहाँ से आपको कॉस्ट्यूम मिल सकता है रेंट पे, और लॉकर भी यहाँ से मिलेगा। तो लॉकर तो वैसे भी हमें लेना ही है, सो उसकी इंक्वायरी करते हैं क्या प्राइस रेट है वो आपको बता दें। सो ये अभी यहाँ से डीजी बैंड लिया, बढ़िया सी बात लगी नहीं बात? यस। सो अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हमें रिचार्ज करके देते हैं, बेसिकली अगर आप लॉकर भी यहाँ से लेते हो तो लॉकर भी ऑपरेटाइजिंग इसी से होगा, तो डीजी बैंड आपको देगी, उसी के अंदर आप रिचार्ज कर सकते हो, और उसमें कोई मिनिमम अमाउंट ऐसा कुछ है नहीं। और वो जो आप रिचार्ज करो उसी के यूज से आप अंदर आई थिंक कुछ एक्सपेंस वगैरह कुछ करना है, कुछ परचेस करना है, कुछ ड्रिंक्स परचेस करना है, तब इससे उसका यूज कर सकते हो। और जब इसमें जो जितना भी अकाउंट बैलेंस बाकी रहेगा वो वापस आते हैं, जब आप इसको सबमिट करते हो तो वो लोग वापस करते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉकर के चार्ज की, तो अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए 150 रुपीज़ चार्ज है अगर आप कॉस्ट्यूम वगैरह लेना चाहते हो, लॉकर लेना चाहते हो, और उसके साथ साथ 100 या 150 तक का डिपॉजिट आपको पे करना पड़ेगा, वो रिटर्न में आपको वापस कर देंगे। सो ये अभी हम यहाँ से लिया है, अभी चलते अंदर लॉकर वगैरह यूज़ करते हैं और फिर अंदर चल के राइड लेते हैं। तो यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो कॉस्ट्यूम काउंटर है, पर हम लोग तो हमारा कॉस्ट्यूम आज कैरी किया है हमारे साथ, हमारा खुद का है तो वो पहनेंगे। पर अगर आप यहाँ पे आते हो कॉस्ट्यूम काउंटर और उसके बिल्कुल पास में मेन चेंजिंग रूम है, वहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो
तो ये लॉकर का साइज आप देख लीजिए, एटलीस्ट दो बैग तो आराम से इसके अंदर आ जाएंगे ना, पर दो बैग आप आराम से रख सकते हो। हमारे बैग का साइज ये है, यही साइज की बैग मेरे पास है और लॉकर भी काफ़ी सारे, आई थिंक 1000+ लॉकर की फैसिलिटी, 1500 से ज़्यादा लॉकर की फैसिलिटी। और आज सैटरडे तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए। सो ऑल सेट, रेडी हो गए हैं, अभी चलते अंदर। और अभी यहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इंडिया बिगेस्ट वाटर पार्क। यस, सो पता नहीं, हो सकता है इंडिया का बिगेस्ट वाटर पार्क यहाँ पे लोग अनाउंस कर रहे, तो अंदर चल के देखते। वैसे लग तो रहा है काफ़ी बड़ा है, सारी राइड्स अभी एक्सप्लोर करते हैं। क्रेजी रिवर राइट जोन यहाँ पे लिखा हुआ, चलो। तो मैं अभी ये राइड में से आया था और पार्क का अभी टाइम है, पार्क खोने यहाँ से आएगा। कैसा रहा भाई? बहुत ही बढ़िया रहा। तो अभी काफी दूर से हम ये जिस राइड को देख रहे थे उसमें अभी जा रहे हैं। काफ़ी मतलब ऐसे दिमाग में था कि किस तरह की राइड होगी, तो हम ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि गोप्रो लेके जा सकते हो, दिक्कत नहीं होगी लेस से। वैसे आपको एक बात बतानी थी, वो रह गया है बोलना, तो अभी बोल देता हूँ। DSLR कैमरा इज नॉट अलाउड। यस, आप एक्शन कैमरा गोप्रो ही सिर्फ लेके आ सकते हो। कुछ लोगों मैंने वैसे देखा मोबाइल को वाटर प्रूफिंग करके कवर में डाल के वो लोग लेके आए थे, पर वो सेफ नहीं है मोबाइल को भी लेके आना। तो अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो लेके आ सकते हो। अगेन ड्रोन शॉट्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, ड्रोन कैमरा अलाउ नहीं है। तो अभी गोप्रो लेके आए और पार्क का वैसे फिक्स पार्क भी है साथ में, जरूरत पड़ेगी तो उसका भी यूज करेंगे। यस, रेडी रेडी रेडी, चलो ठीक है। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल कहीं से ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल। तो अभी फूज ब्लस्टर किया, पार्क कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मजा आया। बहुत ही मजा, ये एक्सपीरियंस बहुत ही करने लायक है, बहुत ही अच्छी। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो फूज ब्लस्टर जरूर से करना। और अभी ट्विस्टर में जा रहे हैं, वहाँ पे 3% जा सकते हैं। यस पार्क।
बढ़िया सी राइड है, सभी एंजॉय कर रहे हैं ना पार्क। yeah. उन्होंने एंजॉय, और सच में वाटर पार्क बड़ा है, राइड्स भी काफी बढ़िया है। अभी वेव पूल के लिए आए तो अभी आपको वेव पूल दिखा, वेव पूल चालू हो गया है तो हम सब जाएंगे वेव पूल में। जब वेव पूल स्टार्ट होता है तो और राइड सब टेम्पररी बंद हो जाती है, बाकी सारी राइड्स आप वो टाइम पे नहीं कर सकते। तो अभी वेव पूल एंजॉय करते हैं, फिर और राइड्स आपको दिखाते हैं। पार्क कैसा लगा टेस्ट भाई? अच्छा था भाई, अच्छा था टेस्ट। और वैसे प्राइस वगैरह भी यहाँ पे रीजनेबल है ना, रीजनेबल रेट में था। और कुछ लाइट ही अभी तो हमने खाया है, क्योंकि और अभी राइड्स में भी जाएंगे तो ज़्यादा अगर हैवी खा ले तो हो सकता है फिर थोड़ा दिक्कत हो। तो अभी अंदर चलते हैं और कुछ और राइड्स एंजॉय करते हैं। रेडी, ये देखते हैं इसमें जाएंगे। अभी जाएंगे हम लोग, भाई क्या बढ़िया सी राइड से नहीं पार्क। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, एडवेंचर बिल्कुल थरो एडवेंचर हो रहा है। अभी जा रहे हैं क्रेजी रिवर के लिए, 130 से लेके 230 के बीच में ओनली फॉर मैन क्रेजी रिवर है, तो अभी वो एंजॉय करते हैं। सो अभी फाइनली नंबर लग गया है, बहुत ही लंबी लाइन थी क्रेजी रिवर के लिए, क्योंकि एक ही टाइम पे शुरू होता है। तो अभी जस्ट बैठ गए हैं, क्रेजी रिवर एंजॉय करते हैं। आप भी देखिए कैसा लग रहा है भाई,
बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ रहा है। वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वॉज, बहुत मजा आया। हमारा ग्रुप था लास्ट में, काफी सारे नए दोस्त भी बने। और अभी यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए क्या है वो अभी आपको दिखा। छोटे बच्चों के लिए कुछ राइड है, छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी सी राइड है। जैसा है वो हट जाएगा और हम सीधा जाएंगे नीचे। साढ़े तीन बजे और क्या बढ़िया सा एंजॉय किया। वैसे साढ़े पाँच बजे तक ये ओपन रहता है, सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है शाम के 5:30 तक। पर अभी मैं और पार यहाँ पे सारी राइड ऑलमोस्ट कवर कर ली है, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। सो अभी इस वीडियो को यहाँ पे इसी तरह से एंड करेंगे। ये मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सच में बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है। मोर देन 30 राइड्स है और टोटल 54 यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब बाकी सारे एमिनिटीज़ वगैरह अगर ऐड करो तो 50+ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप इधर आओगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चों के लिए भी बहुत सारी राइड्स हैं, बड़ों के लिए तो है ही, और सच में बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है। सो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही बढ़िया रहा। और आपको वीडियो कैसा लगा अभी मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। तो इस साल की इसकी प्राइस वगैरह क्या है वो बाकी सब लोग भी जान पाए, इसके लिए वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।